1991 में इंडिया अपने सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। इंडिया के पास में सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट करने का पैसा बचा था। ये समझ लीजिए जो हालत रिसेंटली श्रीलंका की हुई थी वही उस समय इंडिया की हो गई थी। कैसे इंडिया इस सिचुएशन पे पहुंचा और कैसे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अपने अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन से इंडिया को इस मुसीबत से न सिर्फ बाहर निकाला बल्कि आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जानते हैं इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए। अब 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस को हमने सॉल्व कैसे किया, इससे पहले ये जानेंगे कि 1991 की बुरी कंडीशन तक हम पहुंचे कैसे। तो मेरे हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी हम शुरू से शुरू करेंगे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हम ऑलरेडी एक कंपनी के राज को एक्सपीरियंस कर चुके थे जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और हमारे लीडर्स बहुत ही संभल कर कदम रख रहे थे। वो ये नहीं चाहते थे कि फिर कोई बाहर की कंपनी आए और इतनी बड़ी बन जाए कि हम पर फिर से राज करे, इसलिए बाहर के इन्वेस्टमेंट को जनरली अवॉइड किया जा रहा था। मगर दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया को इतना एक्सप्लॉइट किया जा चुका था कि इंडिया के लोगों के पास में इतना पैसा बचा नहीं था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज एकदम से वो लोग खोल पाए। इसलिए जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो सरकार को ही खोलनी पड़ती थी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, स्टील या फिर टेलीकॉम। तो इन सेक्टर्स पर पब्लिक सेक्टर कंपनीज का ही राज हुआ करता था। कुछ एक 4-5 प्राइवेट प्लेयर्स हुआ करते थे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उसके अलावा इंडस्ट्री खोलना इंडिया में बहुत मुश्किल था। पहला रीजन तो था पैसा और इन्वेस्टमेंट, और दूसरा रीजन था लाइसेंसेस। इंडिया में उस समय लाइसेंस मिलना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था इंडस्ट्रीज के लिए, और बहुत सारे चेक और बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व रहती थी और बहुत सारा करप्शन भी इन्वॉल्व रहता था। इसी कारण उस एरा को लाइसेंस राज भी कहा जाता है, जहां लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ सरकार की भी यही कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर को महत्व देना और प्राइवेट सेक्टर की किसी भी कंपनी को ज्यादा बड़ा नहीं होने देना। कई सारे कंपनीज जैसे कि कोका कोला और IBM तो इंडिया से इसी कारण एग्जिट हो गए थे, और उन्होंने अपना इंडिया बिजनेस बंद कर दिया था 1970s के एंड में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्लो डाउन के कारण ही इंडिया की ग्रोथ भी स्लो हो रही थी, इकोनॉमी ज्यादा रफ्तार से बढ़ नहीं रही थी और हम एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे थे। और ये क्राइसिस और तेज होता गया 1985 के बाद, क्योंकि इंडिया का जो सबसे बड़ा सपोर्टर था वो था रशिया, जो उस समय USSR कहा जाता था, जिसमें 14-15 नेशंस का एक यूनियन था। वो यूनियन खत्म हो गया और रशिया डिवाइड हो गया 14-15 नेशंस में, और इंडिया के साथ जो रशिया की बॉन्डिंग थी वो थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब हो गई। और इसी के कुछ सालों बाद में गल्फ कंट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर खिंच गई, जिसमें 32 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग USA। अब चूंकि गल्फ नेशंस से ही हमारा बहुत ज्यादा पेट्रोलियम आता था, तो पेट्रोलियम उस समय महंगा हो गया, सारी चीजों की कीमतें बढ़ गई, इंपोर्ट्स काफी महंगे हो गए और इंडिया का क्राइसिस और बढ़ गया। 1990 के एंड में इंडिया की हालत इतनी खराब हो गई कि इंडिया के पास सिर्फ 2,500 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज बचा था इंपोर्ट्स करने के लिए। और ऊपर से 1991 में जो इंडिया की गवर्नमेंट बनी थी वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी की सरकार थी, जो कि उस समय स्ट्रांग नंबर्स में नहीं थी और कई सारी पार्टियों की गठबंधन के कारण बहुत ही अस्थिर अवस्था में चल रही थी। फरवरी 1991 में चंद्रशेखर गवर्नमेंट बजट तक पास नहीं कर पाई पार्लियामेंट में, और इसी कारण फॉरेन रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को बहुत गिरा दिया, जिस कारण इंडिया को लोन्स मिलना काफी मुश्किल हो गया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए RBI के गवर्नर और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर उस समय दौड़ कर गए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF के पास में पैसा मांगने के लिए। अब जब वो पैसे के लेन देन की बात कर ही रहे थे तो उसी समय राजीव गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और इसी कारण चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिर गई। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने जो उस समय बातचीत चल रही थी उसमें कहा कि आप किस सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी सरकार तो इंडिया में गिर चुकी है, हम किसको पैसा देंगे। तो इन सब क्राइसिस सिचुएशंस में जब इंडिया को पैसे की जरूरत थी और इंडिया को फोकस करना चाहिए था अपनी इकोनॉमी पर, तब इंडिया को फोकस करना पड़ा जनरल इलेक्शंस पर, और इंडिया में एक बार हुए फिर से इलेक्शंस। अब इलेक्शंस की कैंपेनिंग काफी अच्छी चल रही थी और राजीव गांधी एक PM कैंडिडेट के तौर पर उभर कर बाहर आ रहे थे। मई 1991 में वो तमिलनाडु में अपना चुनाव का प्रचार कर रहे थे और उसी समय एक बॉम्ब ब्लास्ट में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई LTTE टेररिस्ट के द्वारा। तो अब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गया। खैर, चुनाव हुए, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की गठबंधन वाली फिर से सरकार बनी, प्राइम मिनिस्टर बने PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव ने PM बनने के पहले दिन सेलिब्रेशन नहीं किया, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा कि इंडिया की हालत क्या इतनी खराब है जितनी हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा, नहीं साहब, इंडिया की हालत उससे भी खराब है जितना आपको पता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स करने का पैसा बचा है और अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि इंडिया बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया जाए। पीवी नरसिम्हा राव ने उसी समय मनमोहन सिंह जी को कॉल किया, जो RBI के एक्स गवर्नर रह चुके थे और इंडिया के एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे, और उन्होंने कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं आज से और अब आपको इंडिया को क्राइसिस से बाहर निकालना है। और अगले एक महीने में मनमोहन सिंह ने कुछ ऐसी चीजें की जिसने इंडिया के वक्त को बदल दिया, जज्बात को बदल दिया और जिंदगी को बदल दिया।
सबसे पहले सबकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाकर इंडियन रुपी की वैल्यू को डॉलर के अगेंस्ट 20% नीचे गिराया गया। अब सोचिए ज़रा, जब इंडियन रुपी एक दो पैसे से नीचे गिरता है तब देश में कितना हल्ला मचता है, तो उस समय 20% नीचे गिरा होगा तो कितना हल्ला मचा होगा। सब ये सोच रहे थे कि ये सरकार पागल हो गई है क्या, ये कर क्या रही है। मगर रुपी को गिराना उस समय के हिसाब से ज़रूरी था क्योंकि इंपोर्ट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना था। दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ने यह लिया कि उन्होंने 47 टन गोल्ड को फॉरेन बैंक्स में गिरवी रखा, एयरलिफ्ट करके वहां ले गए और उनसे कुछ पैसा उधार लिया ताकि इमीडिएटली इंडिया को संभाला जा सके। और फाइनेंस मिनिस्टर बनने के एक महीने बाद में मनमोहन सिंह जी ने एक लेजेंडरी बजट पेश किया। उस बजट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। 1991 से पहले इंपोर्ट्स करने पर रेस्ट्रिक्शन था और कुछ आइटम्स की एक लिस्ट थी, उन्हीं आइटम्स को इंपोर्ट किया जा सकता था, मगर उस लिस्ट को हटा दिया गया और एक नेगेटिव लिस्ट बनाई गई और कहा गया कि इन आइटम्स को छोड़कर आप कोई भी चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉरेन से आने वाले इन्वेस्टर्स को किसी इंडियन कंपनी में 51% तक इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई। लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और 80% कंपनीज को लाइसेंस सिस्टम से बाहर कर दिया गया और फ्रीडम दी गई कि आप इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। बड़ी कंपनीज को एक्सपैंड करने के लिए जो अप्रूवल्स लेनी पड़ती थी उन अप्रूवल्स को खत्म किया गया और कहा गया कि आप फ्रीली एक्सपैंड कर सकते हैं। 1991 से पहले कुछ एरियाज को पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए रिजर्व रखा गया था, उनको अबॉलिश कर दिया गया और कई सारे एरियाज को ओपन कर दिया गया फॉर ऑल टू मेक इंडस्ट्रीज। और इवन पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज थी वो पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया करती थी हर बात में, उन अप्रूवल्स को हटा दिया गया और उन्हें ऑटोनॉमी और फ्रीडम दी गई एक्सपैंड करने के लिए और अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए। मगर आम आदमी की जिंदगी पर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ा? 1991 से पहले हम सिर्फ एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी कार्स को देखा करते थे और 1991 के बाद में टोयोटा, होंडा, हुंडई जैसी कार्स हमें देखने को मिली। 1991 से पहले टीवीज में केवल बीपीएल और ओनिडा आते थे और 1991 के बाद में सोनी, सैमसंग, एलजी जैसे ब्रांड्स आने लगे। हम कोका कोला और पेप्सी पीने लगे, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाने लगे, पिज्जा हट का पिज्जा खाने लगे। टीवी चैनल्स के नाम पर जहां सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था वहां पर सोनी, जी और स्टार प्लस आ गए। टेलीकॉम सेक्टर में, मोबाइल्स में, मॉल्स में, कपड़ों में और यहां तक कि एयरलाइंस में भी फॉरेन कंपनीज और फॉरेन ब्रांड्स का इन्वेस्टमेंट आया, बहुत सारा पैसा आया, नई इंडस्ट्रीज खुली, लोगों को जॉब मिली और इंडिया की इकोनॉमी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। ऐसा क्यों हुआ इतनी तेजी से? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट था, लोगों के पास में थोड़ा बहुत पैसा था और फॉरेन ब्रांड्स जो यूरोपियन नेशंस में और वेस्टर्न नेशंस में अपना बिजनेस कर रहे थे वहां वो सैचुरेट से हो चुके थे। उनको एक्सपैंड करना था, उनको एक्सपैंड करने के लिए मिल गए नए मार्केट्स और इंडिया को मिल गया इससे बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज और बहुत सारा पैसा। अब मनमोहन सिंह जी की इस ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को आने वाली गवर्नमेंट्स ने भी कंटिन्यू रखा और उसको चेंज नहीं किया और इसी का रिजल्ट यह है कि इंडिया इज नाउ अ फिफ्थ द लार्जेस्ट इकोनॉमी। कहां हम एक समय बैंकरप्ट होने वाले थे और आज कहां हम फिफ्थ पोजीशन पे। मनमोहन सिंह जी ने अपने 1991 के बजट स्पीच के एंड में कहा था कि नो पावर कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। इंडिया को उस समय बदलने की जरूरत थी और वो वक्त सही था, इसी कारण इंडिया बदला और इंडिया आज वर्ल्ड में कई सारे सेक्टर्स में नंबर वन पे है। मैंने ऐसी 10 इंटरेस्टिंग चीजों की लिस्ट कंपाइल की है जिसमें इंडिया टॉप करता है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक कमेंट्स में जाकर जरूर देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद।